नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 टॉप RPM रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछ जाते हैं जो RPM से रिलेटेड हैं। ठीक है, और आप जानते हैं RPM का जो फुल नेम होता है वो है रेड हैट पैकेज मैनेज। ठीक है, मतलब कि हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो वो RPM से स्टार्ट होता है ना। उसके बाद हम और RPM इंस्टॉल करते हैं, लेकिन RPM जो हम पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से, उनके डिपेंडेंसीज को बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल करने के लिए हम YUM का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम आज पहले बात करते हैं RPM के बारे में। ठीक है, RPM से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस जो लिए हुए हैं उनके बारे में। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ विल यू फाइंड इफ़ ए पैकेज इज़ इंस्टॉल्ड और नॉट। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई पैकेज मेरे PC में है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। माना आप कोई सर्वर या कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, और आपको यही पता नहीं है आप इंस्टॉल कर रहे हो उसका पैकेज, तो वो तो अगर YUM से इंस्टॉल करें तो आपको बता देगा दैट इट इज़ ऑलरेडी यू नो इंस्टॉल्ड। बट अगर आपको पहले कन्फर्म करना है यार मेरे उसमें है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ठीक है, से यू हैव टू फाइंड If HTTPD is installed or not, माना ये बोल रहा है कि बता, मान लीजिए HTTPD जो आपका अपाचे के लिए पैकेज यूज होता है वो इंस्टॉल है या नहीं है ये बताइए। इसके लिए आप क्या करोगे, वट विल यू डू फॉर इट? ओके, तो दोस्तों इसके लिए हमें कौन सी कमांड यूज करनी है? इसके लिए दोस्तों आपको क्या कमांड यूज करनी है, आपको पहले इसके लिए जो कमांड यूज करनी है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, RPM-Q फॉर क्वेरी, ओके, A फॉर ऑल, ओके। उसके बाद आपको लिख देना है पैकेज का नाम, ठीक है, और ये लिख देना है, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये जो आपका पैकेज है इसमें इंस्टॉल्ड है आपके PC में हो या नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकली इसे देखते हैं, और इसके लिए मैं अपनी बेस मशीन में आता हूँ। ठीक है, और इसे मैं रूट से लॉगिन करता हूँ, 854 डन, और मैं लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि HTTPD पैकेज मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, RPM-Q फॉर क्वेरी एंड A फॉर ऑल देन HTTPD। ओके, आप टैब मार सकते हैं, टैब मारने से आपका, अगर आप पैकेज फोल्डर के अंदर है जहाँ बहुत सारे पैकेज होते हैं, तो आपका टैब मारने से उसके पीछे जो उसका पूरा नाम होता है पैकेज का पूरा आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर एंटर कीजिए, ये थोड़ी देर में डिस्कवर करेगा और आपको बताएगा कि ये पैकेज इंस्टॉल्ड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं बताया, हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब कि हमारे सिस्टम पे HTTPD का कोई भी पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, अब आप ये कहें अगर मैं कोई एक पैकेज जो इसमें मेरे उस मेरे PC में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और उसी में ये कमांड फायर करके देखूँ, और तब ये क्या आंसर देता है? देखिए, RPM-QA मेरे सिस्टम पे एक पैकेज है पोस्ट फिक्स। ठीक है, ये पैकेज क्यों यूज होता है? ये यूज होता है दोस्तों मेल के लिए, ठीक है, मेल सर्वर के लिए, और मेरे सिस्टम पे मेल सर्वर ये पोस्ट फिक्स ऑलरेडी कॉन्फिगर आता है ये वाला पैकेज। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो क्यों देखो यहाँ पे मेरे को बता रहा है पोस्ट फिक्स। ठीक है, ये पूरा -2.12 ये पूरा दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि मेरे सिस्टम पे पोस्ट फिक्स का जो पैकेज है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इस कमांड की हेल्प से आप किसी भी पैकेज को ये चेक कर सकते हैं कि ये पैकेज मेरे PC में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। ठीक है, और चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ विल यू इंस्टॉल ए पैकेज, मान लीजिए XYZ, ठीक है, यूजिंग RPM। आपको RPM के यूज से कोई पैकेज को कैसे इंस्टॉल करना है? ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों बहुत सिंपल कमांड है, उससे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, कमांड क्या यूज करनी है आपको दोस्तों, RPM-I फॉर इंस्टॉल, ठीक है, V फॉर वर्बोस एंड H फॉर यू नो H फॉर प्रिंट हैश, जो हमारा हैश आता है ना जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपका कुछ ऐसा करके आएगा। ठीक है, जब वो आपके पैकेज इंस्टॉल होगा तो H का मतलब होता है प्रिंट हैश ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द पैकेज। ओके, सो लेट्स डू इट। चलिए मैं यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ HTTPD का। ठीक है, तो RPM की हेल्प से IVH HTTPD, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको
अगर RPM की हेल्प से कोई अगर पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपको जहाँ पे आपने RPMs वगैरह रखे हैं उस फोल्डर में जाना होगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैंने अपने इस सिस्टम पे एक CD लगाई हुई है, ठीक है, जहाँ पे मेरे सारे पैकेजेस हैं, ठीक है। मैं उस पैकेज जिस एक नाम पैकेज नाम का एक फोल्डर एक डायरेक्टरी है जहाँ पर मेरे सारे पैकेजेस हैं सीरियल वाइज, ठीक है, वहाँ पर मुझे जाना होगा उस डायरेक्टरी में, और तब मुझे ये कमांड फायर करनी होगी और तब ये इंस्टॉल होगा, क्योंकि ठीक है जो इसीलिए ये मतलब ये ड्रॉबैक है RPM के, है ना, और तब इसलिए YUM का यूज होता है कि हम कहीं से भी मतलब सर्वर के बेस पर बैठे हुए हैं, टिल्ड पे बैठे हुए हैं, और टिल्ड से मैं अगर YUM इंस्टॉल HTTP कमांड मारूँ तो सीधे मेरा, ठीक है, मेरा जो YUM है वो क्या कर देगा, पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। लेकिन RPM में ऐसा होता नहीं, RPM में आपको कहाँ पर जाना पड़ता है, पहले मैं चेक करता हूँ। देखो मेरी जो ISO फाइल मैंने रखी है, मतलब ये CD लगाई हुई, जो यहाँ पे माउंट है, ठीक है, और मुझे इस लोकेशन पे जाना है, ओके। इसके लिए पहले CDRN, मतलब कि आपको अगर कोई पैकेज अगर RPM की हेल्प से अगर इंस्टॉल करना है तो आपको पहले उस फोल्डर उस डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा जहाँ पे बहुत सारे RPM रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं पहले एलएस करता हूँ तो जो पैकेज आ रहा है ना, जो पैकेज नाम की डायरेक्टरी आ रही है इसी पे सारे RPM हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है LSP, अब देखिए ये सारे RPM इसके अंदर रखे हुए हैं, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले CD करके पैकेज के अंदर जाइए, चले गए, LS करो, ये सारे RPM आपके आ रहे हैं, है ना, इसे बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे हमारे सारे RPM हैं, ठीक है। अब मैं वही कमांड जो मैंने वहाँ पे फायर कर रहा था उसे यहाँ पे फायर करता हूँ, RPM -I फॉर इंस्टॉल, V फॉर वर्बोस, एंड H फॉर प्रिंट द हैज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द पैकेज, ओके, एंड देन पैक नेम ऑफ पैकेज HTTP D, ठीक है। अगर आप टैब मारोगे तो यहाँ पे टैब से ही दो, वो टैब वहाँ पे काम नहीं कर रहा था क्योंकि मैं पैकेज नाम की डायरेक्टरी के अंदर नहीं था, और यहाँ पे टैब काम करेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको ये सारी जितने भी HTTP D से रिलेटेड पैकेजेस हैं अगर सारे इंस्टॉल करने हैं तो यहाँ पे आप स्टार लगा दो और एंटर मार दो, ठीक है, सॉरी एक एक करके होगा कि RPM सारा करता नहीं है क्योंकि YUM में ही आपका लगेगा। माना है देखो मैं एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसमें पहले वाला आपको मैनुअली इसमें करना पड़ता है, एक्चुअली यही RPM से इंस्टॉल करने पे कोई पैकेज की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको एक एक करके मैनुअली आपको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे 2.4 टैब मारता हूँ, ये वाला कौन सा पैकेज है, पहला वाला, इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ। देखो ये वार्निंग बता रहा है, वार्निंग का मतलब अगर आपने YUM पढ़ा होगा या RPM अगर ढंग से पढ़े होंगे तो आपको पता है कि जो हमारा RPM इंस्टॉल अगर कोई पैकेज हम RPM की हेल्प से इंस्टॉल करते हैं तो वो मैनुअली होते हैं। दूसरा वो हमसे ये कहता है कि इस पैकेज को इंस्टॉल करने से पहले पहले इसके डिपेंडेंसीज को आप क्या कीजिए, इस इंस्टॉल कीजिए, जो पैकेजेस जो इसकी डिपेंडेंसीज हैं। देखो यहाँ पे आ रहा फेल्ड डिपेंडेंसीज, मतलब कि इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, आपको कुछ डिपेंडेंसीज हैं इस पैकेज के लिए जो लाइक ये हैं, ठीक है, हमें दिए हुए हैं कि ये है और ये हैं, ये सारे डिपेंडेंसीज है, पहले आप इनको इंस्टॉल करो उसके बाद आप इसे इंस्टॉल करना, ठीक है। अगर मैं मैन्युअली अगर पहले इसे इंस्टॉल करूँगा तो फिर ये बोलेगा ठीक है इसके लिए भी कुछ डिपेंडेंसी है उनको इंस्टॉल करो, फिर उन्हें इंस्टॉल करो, तो इस तरह एक चेन बना के वो मुझे सारे एक एक करके मुझे सारे RPM सारे पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब कहीं अंत में जाके मैं इसे इंस्टॉल कर पाऊँगा। लेकिन जो इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है वो यही कमांड है, ठीक है, क्या है, RPM स्पेस -I फॉर इंस्टॉल, V फॉर वर्बोस, H फॉर यू नो प्रिंट हैज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है, और पीछे से आपका क्या जो भी आपका RPM का पैकेज है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह का जो ड्रॉबैक है RPM से इंस्टॉल करने का, मैनुअली इंस्टॉल करो उसके बाद पहले डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करो उसके बाद आप यू नो आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। कोई पैकेज को इंस्टॉल करने से पहले उसकी सारी डिपेंडेंसीज हमारी इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है, तब आप उससे उस पैकेज को इंस्टॉल कर पाएंगे। ये इसके ड्रॉबैक था, इसलिए हम यहाँ पे YUM का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपको YUM बनाना सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा उस वीडियो के, जिसमें आप जानोगे कैसे YUM क्रिएट करते हैं, और YUM की हेल्प से हमें बहुत बेनिफिट इसलिए होता है कि आपको ये सर्च नहीं करना है कि कौन से पैकेज के लिए कितनी डिपेंडेंसीज हैं, कौन कौन से डिपेंडेंसीज हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका किसी पैकेज को इंस्टॉल करता है, उसके साथ साथ सारे जो डिपेंडेंसीज हैं उस RPM से रिलेटेड सब इंस्टॉल कर देते हैं।
ठीक है। और चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका था दोस्तों RPM स्पेस हाइफन IBH देन पैकेज नेम PACKAGE पैकेज नेम, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा, पैकेज नेम आएगा। देन मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर देता हूँ पैकेज नेम, मैं देता हूँ यहाँ पर पोस्ट फिक्स, अगर आपको पोस्ट फिक्स करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको करना है HTTPD तो HTTPD। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यू हैव इंस्टॉल्ड ए पैकेज सेज HTTPD एंड नाउ यू वांट टू सी ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इंस्टॉल्ड एंड क्रिएटेड बाय द अबव पैकेज। मतलब कि आपने कोई पैकेज इंस्टॉल किया और उससे रिलेटेड, ठीक है, जितनी हमारी फाइल्स और डायरेक्टरीज बनती हैं, हमारी कुछ फाइल्स जैसे हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जब आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसी के बाद वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है ना। माना आपने HTTPD का पैकेज इंस्टॉल किया तो उसके बाद कौन सी कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है, कौन कौन सी डायरेक्टरीज बन जाती हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें बताइए, कैसे सर्च करोगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या कमांड होती है, इसके लिए दोस्तों आपको कमांड होती है RPM हाइफन क्यू, ठीक है, क्यू फॉर क्वेरी, एल फॉर लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट जो पैकेज है उसका नाम, माना HTTPD है, HTTPD, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर पोस्ट कॉन्फ देखें, पोस्ट फिक्स POF पोस्ट FX पोस्ट फिक्स के नाम पे, मतलब जो भी आपका पैकेज का नाम है वो आ जाएगा, ठीक है, जो पैकेज आपने इंस्टॉल करना है। अब देखिए इसे प्रैक्टिकली जानते हैं पहले, ठीक है। आप रिसेट कमांड से इसे रिसेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेरे उसमें पोस्ट फिक्स ऑलरेडी कन्फिगर है, पहले मैं चेक करता हूँ कौन सा पैक वो पैकेज इंस्टॉल है या नहीं है, ठीक है। RPM हाइफन QAPOST पोस्ट FIX पोस्ट फिक्स, ठीक है, ये पैकेज मेरे उसमें इंस्टॉल है। अब मैं चेक करता हूँ कि ये पैकेज ठीक है इंस्टॉल है, लेकिन इस पैकेज से रिलेटेड कितनी डायरेक्टरीज, कितनी फाइल्स क्रिएट हुई हैं, है ना। तो इसके लिए कमांड है RPM हाइफन क्यू एल पोस्ट फिक्स और एंटर कर दो, ठीक है। तो दोस्तों जितनी भी ये फाइल्स और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये फाइल्स क्रिएटेड हैं, ये फाइल्स बनी हुई हैं, ये सारी फाइल्स आपकी इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आपकी, है ना, ये तब आपकी क्रिएट हुई हैं, उससे पहले नहीं थी या उससे रिलेटेड हैं आपकी, है, ठीक है। तो मतलब कि कोई पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल या डायरेक्टरीज क्रिएट होती हैं वो आपको चेक करने के लिए जो कमांड आपको लगानी होती है वो है RPM स्पेस हाइफन क्यू, क्यू फॉर क्वेरी, एल फॉर लिस्ट और आपके पैकेज का नाम, ठीक है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर सपोज्ड टू रिमूव ए पैकेज से पोस्ट फिक्स, व्हाट विल यू डू। मतलब कि अगर आपको कोई पैकेज यू नो अनइंस्टॉल करना है, कभी कभी क्या होता है पैकेज कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो आपको अगर कोई पैकेज अनइंस्टॉल करना है, मैंने ये बोला है कि पोस्ट फिक्स का पैकेज आपके उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जैसे मैं अभी पुराने क्वेश्चन में बात करता, इन क्वेश्चन में बात कर रहा था, तो अब आपको ये पोस्ट फिक्स का जो पैकेज इंस्टॉल है इसे रिमूव करना है। तो किसी पैकेज को रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड है वो मैं आपको बता दूँ, RPM स्पेस हाइफन ई फॉर इरेज, ठीक है, वी, ओके, और आपके पैकेज का नाम, डन। और इसे हम फायर करते हैं यहाँ पे, और देखो जैसे आपने अभी, है ना, पोस्ट फिक्स का पैकेज है मेरे उसमें, अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, RPM हाइफन ई फॉर इज वी, ठीक है, पोस्ट फिक्स, ठीक है, पैक क्या है, प्रिपेयरिंग पैकेजेस, ओके, ठीक है, दिखा दिया इसने, डन। अब एक बार चेक करते हैं दोबारा, हम सर्च करते हैं कि ये पैकेज इंस्टॉल है या नहीं है। आप देखो आप क्या रहे हैं, देखो मैं कौन सी कमांड लगा रहा हूँ कि कोई पैकेज में, जब किसी कोई पैकेज मेरे पीसी में इंस्टॉल है या नहीं है, वो वाली मैं कमांड लगा रहा हूँ RPM हाइफन क्यू फॉर क्वेरी ए फॉर ऑल पोस्ट फिक्स, और मैं एंट्री कर रहा हूँ, ये बोल रहा है कि आपके उसमें पोस्ट फिक्स का कोई भी पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है, मतलब कि मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, है ना। ये रिमूव की कमांड थी कौन सी, RPM स्पेस हाइफन EV, ठीक है। तो इस से आप कोई भी पैकेज को रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई और पैकेज है
HTTPD है, आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी पैकेज है वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, किससे, अगर जो को RPM स्पेस हाइफन वी, ठीक है, सॉरी EV पोस्ट फिक्स या जो भी है यहाँ पर पैकेज का नाम PACKZ पैकेज नेम, ठीक है। तो ये कमांड थी आपकी पैकेज को रिमूव करने के लिए। और हमारा पांचवा है गेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंस्टॉल्ड पैकेज, मीन्स इन्फॉर्मेशन लाइक वर्जन, रिलीज, इंस्टॉल्ड डेटा, डेट, साइज, समरी एंड ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। मतलब कि कोई पैकेज इंस्टॉल्ड है उसका आपको ये सारा चीज़ पता करना है, कौन सा वर्जन है, रिलीज़ कब हुआ, इंस्टॉल डेट क्या है इसकी, साइज़ क्या है, समरी क्या है, ठीक है, ब्रीफ उसके डिस्क्रिप्शन पता करना है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। चलो इसमें कोई एक ऐसा पैकेज ढूंढते हैं जिसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, है ना, अब आपका पोस्ट फिक्स होगा नहीं। देखो RPM से हमें इंस्टॉल करने में दिक्कत हुई, मैंने यम कॉन्फ़िगर ऐसा है उसमें आदि यम रेपोलिस्ट, देखो मेरे उसमें यम कॉन्फ़िगर है, मैं एक पैकेज मैं पोस्ट फिक्स को दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, यम की हेल्प से। क्योंकि ये सारी मैं यहाँ पे यम का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं RPM से अगर पोस्ट फिक्स इंस्टॉल करने लग जाऊँ तो मुझे ये कहेगा कि इसकी भी कुछ डिपेंडेंसीज होंगी, है ना, पहले मुझे उसको इंस्टॉल करने की बात कहेगा, ठीक है। तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, मैं करने में मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, हो सकता है 10-15-20 उसकी डिपेंडेंसीज होंगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे यम का यूज़ करना है, मुझे कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कितनी देखो दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं यस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो सीधे ही मेरा पैकेज इंस्टॉल हो जाता है और जितनी भी उससे रिलेटेड ये देखिए ये हैच कर रहे हैं, ये वही है जो मैंने बताया था ना कि हम एच लिखते हैं, प्रिंट हैच फॉर यू नो प्रिंटिंग एट द टाइम हैच व्हेन आवर सिस्टम आवर पैकेज इज गेटिंग इंस्टॉल्ड। ओके अब मुझे RPM हाइफन QA पोस्ट फिक्स से चेक करना है कि पैकेज इंस्टॉल, देखो अब पैकेज इंस्टॉल आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन था हमारा कि कोई अगर पैकेज इंस्टॉल्ड है तो उसका वर्जन, रिलीज़ कब हुआ, इंस्टॉल डेट क्या है, साइज क्या है, ये सारा मुझे समरी पता करनी है। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे कमांड बताता हूँ, RPM, ठीक है, स्पेस हाइफन, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दोस्तों क्या लगाना है, यहाँ पर आपको लिखना है क्यू फॉर क्वेरी, आई एफ फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है आपको पैकेज का नाम, जैसे HTTPD या पोस्ट फिक्स, ठीक है। और चलिए फायर करते हैं इस कमांड को, RPM हाइफन क्यू फॉर क्वेरी, आई फॉर, ठीक है, इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे पोस्ट फिक्स। अब देखो ये कमांड मारी मैंने, ठीक है, और मेरे डिटेल क्या आ गई, नेम क्या है इसका, ठीक है, वर्जन, रिलीज़, आर्किटेक्चर क्या है, मतलब 32 बिट है, 64 बिट है, इंस्टॉल डेट क्या है, ग्रुप क्या है, साइज़ क्या है, लाइसेंस कौन सा है, ठीक है। और तो सारा ये आ गया मेरे पे, ठीक है, कौन सी एल्गोरिथम यूज़ हो रही है इसमें, SHA-256 यूज होती है जो, है ना, पोस्ट फिक्स का नाम क्या है इसका, सोर्स RPM क्या है जिस, तो पूरी डिटेल आप यहाँ पे समरी डिस्क्रिप्शन देख, समरी आ गई डिस्क्रिप्शन में, आ गया इंस्टॉल पोस्ट फिक्स इज़ यूज मेल ट्रांसपोर्टेशन, मेल सर्वर के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप, ठीक है, इस कमांड के हेल्प से RPM हाइफन QI और आपका पैकेज नेम से आप ये पता कर सकते हैं कि मेरे PC में जो पैकेज इंस्टॉल्ड है उसकी क्या डिटेल है, ठीक है, उसकी पूरी डिटेल आप नोट कर सकते हैं, आप पूरा डिटेल ले सकते हैं, वर्जन कौन सा है, रिलीज़ कौन सा है, कब मिलवा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और जानते हैं कुछ और लिनक्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, जय हिंद।